क्योंकि किसी मेहनती बच्चे को ट्रबल में देखना ये सबसे ज्यादा तकलीफ वाली बात होती है। लेकिन उसने उधर धैर्य नहीं खोया, फिर पढ़ाई करी उसने, सारी चीजें करी, आज रिजल्ट आपके सामने। आपको सिर्फ और सिर्फ फल पाएंगे, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक दिखावे की दुनिया।
कोई यूएस जाके रह रहा है, तुम्हें थोड़ी पता कैसे रह रहा है भाई। तुम तो सिर्फ सेल्फी जानते हो ना, जो तुम खाने की सेल्फी डालते हो, कई बार बगल वाले की टेबल से खींच के डालते हो। जो समर्थ ने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवलिंग किया है, समर्थ ने आपको बता दिया, लेकिन बेटा वो रात है, वो समय, वो फेलर सब हैंडल नहीं कर पाते। वो एक विद्यार्थी के अंदर गुण होना चाहिए, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है एग्जाम की आपके। जब समर्थ ने आपको एक बात बताई कि जब इनका नॉर्मलाइजेशन की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया था, वो शाम आज भी याद है, अपना हॉल नंबर 16 था सर बिल्डिंग के सामने, फिर वो जो रिसेप्शन बनाया था, समर्थ वहां मिलने आया था, वो दिन हम कभी नहीं भूलेंगे। जब समर्थ सामने बैठ के बात कर रहा था, मतलब समर्थ एकदम ब्रेक डाउन कर गया कि सर मैंने इतनी मेहनत करी, ये हो गया। तो जब हमने समर्थ को कहा कि समर्थ तुम्हें कचरा छोड़ो, नॉर्मलाइजेशन के लिए हाथ में नहीं है, आप मार्कशीट में लेके आओ कि आप फटी जाओ, नॉर्मलाइजेशन को साइड कर दो, हम भीड़ का हिस्सा बनेंगे नहीं, हम ऐसी जगह शिफ्ट करेंगे, अब कर लो हमको हाथ कैसे करोगे। वो हमने समझा तो दिया था, समर्थ उठ के भी चला गया था, लेकिन हमें पता है अगले दो तीन दिन हमने कैसे सर्वाइव किया था। क्योंकि किसी मेहनती बच्चे को ट्रबल में देखना ये सबसे ज्यादा तकलीफ वाली बात होती है किसी टीचर, लेकिन उसने उधर धैर्य नहीं खोया। फिर पढ़ाई करी उसने, सारी चीजें करी, आज रिजल्ट आपके सामने। और ईडी की पोस्ट उठाना मजाक नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं आपको, ये बात ये मजाक वाली बात नहीं है। आपको जितना लगता है ना उतना नहीं, बहुत राके बलिदान देना पड़ता है, बहुत लोग ताने सहने पड़ते हैं, कई चीजें घटती है लाइफ में, बहुत सी चीजें भी छूट जाती है आपकी। आप लोगों ने एक बात हमेशा बोली है क्लास में कि बेटा आप जितना जल्दी उतना जल्दी जॉब दे दो, जॉब जल्दी लेने से क्या फायदा होता है कि आप अपनी हॉबीज परस्यू कर सकते हो। बोला नहीं बोला क्लास में, अगर आपको बॉडी बिल्डिंग का शौक है आप बॉडी बिल्डिंग में जा सकते हो, आपको किसी को म्यूजिक का शौक है आप म्यूजिक में जा सकते हो, आपको ट्रेवलिंग का शौक है आप ट्रेवलिंग में जा सकते हो। ये हमने कई बार बोला है क्लास में आपको कि आप जब जॉब ले लेते हो तो फिर आपका बुद्धि का विकास हो जाता है, टेंशन हट जाती है आपके दिमाग से, फिर आप नए डायरेक्शन के बारे में सोचना शुरू करते हो। जैसे भी हमारे पास प्रेजेंट में चैलेंज क्या है, हमारे पास चैलेंज है किसी तरह नौकरी लग जाए, 99% बच्चा तो यहाँ तक भी कॉम्प्रोमाइज करने तैयार है, पटवारी ही बनना है। पटवारी क्या, आप तो हमें सबसे लोअर ग्रेड की नौकरी दे दो, वो भी करना तैयार है, क्योंकि अभी वर्तमान में तुम्हारे लिए चैलेंज क्या है, जॉब। जॉब चैलेंज नहीं है बेटा, ऑफिसर जॉब चैलेंज। नौकरी लेना बड़ी बात नहीं है, सरकारी नौकरी लेना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। आप सीएमसी में पढ़ाई करो, जब राइटिंग लेके दे रहे हैं सरकारी नौकरी लगेगी आप, लेकिन ऑफिसर की लगेगी कि नहीं लगेगी वो होल एंड सोल आप पे निर्भर करेगा, आप कितनी मेहनत करते हो। अगर आप पटवारी का पेपर देने जाओगे, आप कुछ मत पढ़ के जाना, सीएमसी के नोट पढ़ के चले जाओ, तुम्हारा अगर एक क्वेश्चन भारत में जाए हमारे पास लेके आ जाना। बात ये नहीं है, बेसिक जॉब की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा ये सोचना है कि अगर आपके अंदर पटवारी बनने का गुण है, तुम्हारे अंदर ऑफिसर बनने का भी गुण है, बस तुम अपने आप को पहचान नहीं पा, तुम उतनी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो। अगर तुम्हें 2+2 समझ में आया तो 2+2 क्यों नहीं समझ में आएगा, आएगा मेहनत लगेगी, करो ना मेहनत, क्यों नहीं करते। जब आप जल्दी जॉब ले लेते हो तो उससे क्या होता है बेटा कि एक इंसान की फितरत है, जब जब इंसान को जो चीज मिलती जाती है उसकी वो वैल्यू खत्म कर देता है। एग्जाम्पल के लिए शादी, तो मैं बहुत से लोग समझ का नहीं बता, मैं बहुत से लोग तैयारी इसलिए कर रहे थे तुम्हें शादी करते, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो जितने भी मैरिड लोग बैठे हैं उनसे कभी पर्सनली पूछना है तो शादी कर ले। होता क्या है, जो चीज आपको मिल जाएगी ना फिर उसकी वैल्यू खत्म। जब आप एक पोस्ट उठा लोगे ना, फिर जब आपकी 2-3 महीने सैलरी आ जाएगी, आप थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड कर लोगे, नई नई शॉपिंग कर लोगे, दोस्तों के साथ घूमने चले जाओगे, 6 महीने साल भर का समय मिलेगा, अब तुम्हारी इंसानी फितरत तुम्हें परेशान करेगी, अब तुम्हारे अंदर भूख दौड़ेगी और क्या करोगे। तो जब आप जल्दी नौकरी में कर लेते हो, तो हमने बताया था आपको कि आप ट्रैवलिंग में हो तो अपना प्रोफेशन में जब ट्रैवलिंग करो, आप बॉडी बिल्डिंग में जाओ, आपको म्यूजिक क्लासेस का शौक है म्यूजिक क्लासेस करो। अब जब समर्थ ने 2019 में पूरी तैयारी कर ली, तो समर्थ ने ये तो श्योर कर ही लिया था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, किस्मत खराब थी, किस्मत मेरे साथ नहीं थी, 19 में बाहर हो गया। अब बीच में उसे ये तो डर था कि मेरी नौकरी तो पक्की है, नौकरी कहीं नहीं जा रही थी, कॉन्फिडेंस इतना ऊपर था क्योंकि उसकी मेहनत बोल रही थी उसके पीछे, उसने कभी पढ़ाई छोड़ी नहीं। जब वो 6 घंटे की क्लास करके 8 घंटे पढ़ सकता है जाके, और वो भी कंसिस्टेंट, महीना 2 महीना नहीं लगातार, उसको ये तो कंफर्म था कि मेरी जॉब लग जाएगी। अब जब उसके पास टाइम बचा, तब ना कहीं उसके मन में यह आइडिया आया कि अपन कुछ और भी कर सकते हैं, तभी तो जाके उसने एसएससी बाबा की नींव रखी। आप समझ रहे हैं, एक स्टूडेंट जो आपके सामने ऑफिसर सिलेक्टेड है, उनका पर्सनल चैनल भी है, मजाक नहीं है ये बात। कि आप लोगों को इसलिए नहीं पता क्योंकि आप स्पीड में मेहनत नहीं करते, हम लोग करते हैं, बिल्कुल भी मजाक वाली बात नहीं, आपसे बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
तो ये आया कहां से समर्थ के अंदर, ये तब आया जब समर्थ ने अपने आप को सिक्योर कर लिया था कि मेरी जॉब पक्की है, हमें देखकर दूसरा है क्या बना सकता हूं। तो जब उनको आया दिमाग में उनका डेवलप हुआ, उन्होंने काम करा। इसलिए आप सब कहते हैं बार बार कि आप लोग मेहनत करो, जब मेहनत करोगे तो दूसरे रास्ते दिखना शुरू हो जाएंगे। जैसे समर्थ बता रहे हैं कि 8,500 डाउनलोड है, 8,500 बाजार नहीं है, ये बहुत अलग तरह की मेहनत मांगता है। उस प्लेटफॉर्म पे भी लोगों के बहुत खून पसीना भरा होगा, बहुत मेहनत लगती है, और ऑनलाइन सबसे ज्यादा टफ टास्क सर्वाइव करना, आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसमें। तो ये तभी संभव है ये चीजें, जब तक आप अपने आप को पूरी तरह अपने कैरियर के लिए डिवोट नहीं करते। जब तुम 24 घंटे अपने कैरियर के बारे में सोचोगे तो उसको जल्दी अचीव करोगे, और जैसे ही जल्दी अचीव कर लोगे तुम्हारा ध्यान दूसरी तरफ जाने लगेगा। अब मुझे क्या करूं, जैसे हमने हमारी बहुत अर्ली एज में सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब उठाई, अगर वो हम कम उम्र में नहीं उठाते तो जब हमने नौकरी कर ली तो हमको ऐसा लगने लगा था, जैसे लोग पूछते सर सीएमसी का पढ़ाने का विचार कहां से है। ध्यान रखो कोई भी इंसान 99.9% लोग भर्ती से फैकल्टी का प्रोफेशन नहीं चुनते। कोई आदमी बचपन में ये सोच के पढ़ाई नहीं करता कि मुझे टीचर बनना है, बहुत टफ और बहुत बोरिंग प्रोफेशन है, पहले बता रहे बहुत चैलेंज है इस प्रोफेशन में। आप किस मूड में हो, किस दिमाग में हो, आपको आपके पढ़ाना ही पढ़ाना है, राउंड द क्लॉक वर्किंग होती है, हर साल एग्जाम हो रहा है, नमूना अपडेट लेना, प्लानिंग्स करना, ये वो। तो ये चीज ऐसा रहता है जो कोई चुनता नहीं, ये कहीं ना कहीं किस्मत आपके पास लेके आती है, लेकिन कब होता है जब आप चीजें जल्दी हासिल करते हैं। शायद हमारी उम्र पूरी 22 साल भी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्वाइन कर लिया, और जब 22.5 साल उम्र में आप कर लोगे काम तो फिर आपका दिमाग दूसरी जगह भागेगा भागेगा, वहां बोर होने लगे कि क्या करें भाई, इतना काम रहता है, सारी चीजें कहीं से टीचिंग का निकल जाए, टीचिंग का रहता। तो जब आपने एक चीज कर ली थी तो अपन सेकंड प्लेटफॉर्म के बारे में सोच पाए, सोच पाए कुछ भी नहीं मिला। मैं तुम्हारी अगर थोड़ा बोलेंगे काम करना उसके लिए, अगर तुम्हें तुम्हारी औकात का पता करना है ना, 2 महीने घर से पैसे मांगे, तुम्हारे कितने दोस्त हैं, कितनी तुम्हारी प्यार मोहब्बत है, कितने तुम्हारे सगे रिश्तेदार हैं, तुम्हें सबकी हकीकत बता दो, 2 महीने बस घर से पैसे मांगे। जब तुम्हारे 2 महीने सर्वाइव करने की हिम्मत नहीं है तुम किस बात में ईगो देता हो, तुम्हारे अंदर वो डर नहीं आता कि जो तुम भवन में बैठ के टाइम पास करते हो, कैसे कर लेते हो ये चीजें। विश्वास मानो बेटा, जब हम लोग के पास जॉब नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि हमारी उम्र तो बहुत कम थी, समय घबराहट होती थी, घर जाते जब कॉलोनी से निकलेंगे लोग पूछेंगे क्या कर रहे हो, घर पे क्या बोलोगे, पैसे मांगोगे, और कब तक मांगोगे सबसे बड़ी बात। और आपकी एज के साथ रिक्वायरमेंट बढ़ती है, आप हमेशा 100 रुपए की टी शर्ट पहन के नहीं रह सकते हो, बात समझ में आ रही है, कभी तो लेवल अप करना पड़ेगा। पढ़ने क्यों आए हो घर से, क्योंकि हमारे घर पे सुविधाएं नहीं है, हमारे घर को आगे बढ़ाता है, इसलिए हम घर से पढ़ने निकले ना। हमें से बहुत से बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि फाइनेंशियली स्टेबल है, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल भी हो तो भी तुम्हारे रिश्तेदार के दूर अंदर लोग सरकारी नौकरी में नहीं बैठे। तुम जितनी लड़कियां बैठी हो तुम कितनों को जानती हो कि जो कस्टमर इंस्पेक्टर तुम्हारी काम की लड़की, तुम्हारे दूर दूर के रिश्तेदार हैं कोई, और जिस दिन तुम वर्दी पहनोगे ना तुम्हें पता ही नहीं क्या कह जाने वाले, तुम्हारा समाज, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें मतलब हमें एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। अगर तुम अच्छी पोस्ट उठा लेते हो तो तुम्हारी जो जर्नी है ना, या तुम्हारा स्टेटस इसको बोला जाए तो कहां से कहां शिफ्ट करेगा इसका तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। समर्थ ने बताया कि एमपी में लोग जान रहे हैं एसएससी के बारे में, अभी हम डेमो लेके आए 11 से 12 वाली क्लास में, और बैक था बच्चों को कुछ पता ही नहीं है, बस सिर्फ तुमने लगा हर डेमो में सेम कैसेट चलानी है, पहले पूरा बताओ पूरा समझाओ। और प्रॉब्लम ये नहीं कि अपन को बताने में प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि तुम बताने के बाद भी फॉलो नहीं करते, तुम्हें सारी चीजें समझाई जाती है, बेटा इतना सैलरी, इतना ऐसी जॉब से, इतना रिस्पेक्ट है, इतना पावर है, उतनी जो जोश में आप देखो बेटा। सेमिनार का पर्पस एंटरटेनमेंट नहीं होता, सेमिनार का पर्पस है यहाँ से तुम कुछ लेके जाओ अपने साथ जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करे। एक बार ये सोचा करो तुम्हारे घर से पैसे आते कैसे हैं। अब ये समर्थ ने जब अपने पास कुछ पैसे रखे थे, एक साल तुमने खर्चा चला लिया, पैसे खत्म, तो इन्होंने ये शुरू कैसे करा होगा प्लान, चैनल का प्लान करते हैं, जब पैसे ही खत्म हो गए तो कुछ तो चाहिए ना कमाने के लिए। लोग इतनी मेहनत भी करते हैं भाई, घर से पैसा ना लेना पड़े,
हम एक तैयारी कर रहे हैं, मैं दूसरा काम भी कर रहा हूँ। बहुत पढ़ना पड़ता है, बिना पढ़े कुछ नहीं मिलेगा। इसमें से बहुत से बच्चे हैं जिनको सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें टाइम पास करना है। ऑनलाइन मोटिवेशन का शो नहीं चल रहा है। अपन प्रैक्टिकल दुनिया में है जहाँ आपको कुछ हासिल करके ही निकलना है। तो ध्यान रखो हमारी बात, इतना निवेदन है हमारा आपसे, कृपया करके मात्र एक साल के लिए सारी चीजों को छोड़ो। बस एक साल, ज्यादा नहीं चाहिए आपसे। मोबाइल उतना ही देर यूज करना है आपको जितना आपको काम है। आपको ऑनलाइन लेक्चर देखना है उतनी देर मोबाइल यूज करो। क्यों रखते हो मोबाइल? आपके किसके फोन आते हैं बताओ जरा? सुबह उठते हो मोबाइल देखते हो सबसे पहले? हम भी देखते हैं, ऐसा नहीं, कोई अछूता नहीं है बीमारी से। अरे भाई हम लोग को तो कोचिंग चलानी है, नहीं चलानी है हमारे? बता दो आपने किस प्लेटफॉर्म पे देखे हमारे बारे में? नहीं फेसबुक पे देख पाया, इंस्टा पे देख पाया? कहीं नहीं है बेटा। कोई नेटवर्किंग सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं चलाते। व्हाट्सएप से मजबूरी में चलाना होगा, वो भी इसलिए कि अगर हमने पूरा वेरीफाई कर दिया तो 32 नोटिफिकेशन इग्नोर हो जाएगा। क्यों चला रहे हैं ये बच्चे, क्यों एक्सेस कर रहे हैं? और हम एक्सेस करने को मना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक साल के लिए मना कर रहे हैं कि एक साल इस सारी चीजों को शट डाउन कर दो। हजार रुपए खर्च करके कीपैड वाला मोबाइल लेके आओ। मोबाइल हमेशा अपने पास रखो, कभी इमरजेंसी पड़ जाए, कुछ हो जाए तो तुम्हारा मोबाइल है एंड्रॉइड, उसको घर पे रखो। अब तुम्हें जितनी देर पढ़ना है मान, तुम ऐसे ही बाबा की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है मोबाइल पर, तो डाउनलोड करो, पीडीएफ लो, पढ़ाई करो, वापस करके फिर रख दो उसको अंदर। आप बार बार क्या देख रहे हो मोबाइल? अरे यार बुद्धि ना, अरे मोबाइल में इसका मैसेज आया, अच्छा कंपनी का है, और तुम्हें कौन करेगा मैसेज? दिक्कत कहां पर है? तुम में से तो बहुत से आशिक टाइप के लोग भी बैठे हैं भाई। अब दुनिया ऐसी हो रही, क्या करें उसके लिए? फिर तुम कहते हो लड़के भाग जाती है, छोड़ो। अगर ऑप्शन दे रहे आज हम किसी फैमिली वाले को, सुनना बात को ले लो, किसी के पेरेंट्स हैं उनकी लड़की है ऐसा कि साहब आपको लड़का चुनना है, ये चुनना है या इनमें से कोई चुनना है, अगर गलती से उनके माँ बाप ने ऐसे हाथ करा तो लड़की हाथ दबा देगी? फिर भी तुम गलती कर रहे हो,
नहीं तो पॉइजन है ना लाइफ का। तो मैं पहले रूल बता है कि ये इसी समय हो रहा है जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, फिर भी तुम उसको छूने जा रहे हो, तो ये तुम कहते नहीं जान मुझकर अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। और अगर तुम ऐसी फिक्र में बर्बाद करो तो फिर बहाने लेना छोड़ो, आप तैयारी करके देखो। अगर एक साल तुम इन सब चीजों को त्याग दो और एक साल लग के तैयारी करो तो वहां से यहाँ आना इतना मुश्किल भी नहीं। लेकिन एक साल तुम्हें पूरा डेडिकेशन के साथ देना पड़ेगा। उस एक साल में ना तो तुम्हारे दोस्त, ना तुम्हारी फैमिली, ना तुम्हारे रिलेटिव, सिर्फ तुम्हारा इंस्टीट्यूट, तुम्हारी लाइब्रेरी और तुम्हारे जुड़े हुए आसपास के दोस्त जो सिर्फ सीपीएल की तैयारी कर रहे हैं या बैंक की तैयारी कर रहे हैं, व्यापार की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर तुम्हारी लाइफ में किसी के लिए भी जगह है तो तुम डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं, सिर्फ तुम टाइम पास कर रहे हो। इसलिए टाइम पास नहीं करना है, पढ़ाई करो लग के और सबका सिलेक्शन होता है, कसर से उतनी मेहनत करने की तुम्हारे अंदर कमी है। अब मेहनत नहीं कर पाओगे तो इसका कोई सॉल्यूशन कैसे ला देगा कोई? सेटिंग हमारे घर वालों की एसएससी में तो देख लो बाकी तो नहीं मिलेगी बिना मेहनत के भाई। ठीक है तो पढ़ाई करो आप लोग, किसी को कुछ ऐसा है डाउट है शंका है पूछने की इच्छा है ना तुम्हारे, क्या पूछना है बताओ। टाइमिंग कैसे मैनेज करेंगे? आप सभी थोड़ी देर रुक सकते हैं ना, मैं क्वेश्चंस ले लूंगा आपके। मतलब ऐसा है कि सेमिनार को थोड़ा समय हो गया है, बाकी आपकी जो भी क्वेश्चन है बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो मैं सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सर के लिए बड़ा जोरदार पैसे टाइम नहीं। मेरे बचपन के बहुत सारे दोस्त हैं, वो एक से एक बड़ी कंपनीज में हैं, लेकिन वो आज ही मानते हैं कि समर्थ तुमने जो अचीव किया है वो हमारी नौकरी से काफी बढ़ता है। और उनकी सैलरी में बता सकता हूँ आपको, बहुत ज्यादा सैलरी है उनकी। जो मैं नौकरी छोड़कर आया था वो तो कम सैलरी थी मेरी, लेकिन मेरे दोस्त आज बहुत बड़े बड़े पद पर बड़ी बड़ी कंपनियों में हैं, लेकिन वो आज भी मानते हैं कि सरकारी नौकरी के मैदान में उतरने के लिए बहुत ज्यादा जज्बा चाहिए, मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप कर पाओगे, हम तो नहीं कर पाएंगे वैसा। तो अभी मानिए कि मेरे अंदर वो चीज थी, मेरा वो लाइफ का बेस्ट डिसीजन था कि मैं छोड़ के इंदौर आया और मैंने यहाँ पढ़ाई करी। अब देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं, जैसे जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरे अंदर एक दिमाग में एक चीज बनी रहती थी, जैसे मैं गणित सॉल्व कर रहा हूँ तो गणित में कोई भी सवाल हो उसकी फास्टेस्ट मेथड पूरे इंडिया में सॉल्व करने की मुझे आनी चाहिए। मैंने सिर्फ एक चीज सोची दिमाग में, मतलब कोई प्रश्न है अगर मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ एक मिनट में तो मैं सोचता था कि हाँ इससे फास्टेस्ट कुछ नहीं, मतलब मेरे अंदर सबसे ज्यादा चीज सीखने की ललक है। जब मैं पढ़ाई करता था तो मैंने बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व करे हैं, कम से कम ये मान लीजिए मेरी तैयारी के दौरान मैंने 400-500 लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करे, उनसे सीखा, उनसे समझा, उन्होंने बताया कि भैया ये प्रश्न देखिए इसका सोल्यूशन ऐसा दिया है, इससे मैं सीख रहा हूँ, इससे मैं पढ़ा हुआ हूँ। मतलब ये चीज है जो तैयारी के साथ साथ मैंने करी है, इससे मैं चीजें सीखा हूँ। और आप ये मानिए कि हमारा ऐसा था कि जैसे कोई प्रश्न आया कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो उस प्रश्न को हमने देखा तो हम ये सोचते थे कि यार ये प्रश्न को करने के कितने तरीके हैं, तो किसी ने बोला एक ये तरीका है, रेशियो मेथड है, आप इसको इफेक्टिव परसेंटेज से कर लो। तो मैं ये देखता था, मैंने सिर्फ एक चीज डिसाइड करी थी कि मैं सबसे बेस्ट चीज फॉलो करूंगा। अगर आपको भारत में अच्छी रैंक लानी है एसएससी सीजीएल में, आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, स्पेशली मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, तो आपको काम करना पड़ेगा अपनी गलतियों पर, आपको काम करना पड़ेगा अपनी स्पीड पर। आप देखिए हमसे अच्छा हमको कोई नहीं जानता, हर इंसान की स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। तो मैंने ये देखा था कि कहां पर मुझे समय लग रहा है, जैसे ज्योमेट्री के सवाल करने के लिए कहां मैं फंस रहा हूं। जितना आपको लगता है आप कमियों को ढूंढ पाओगे उतना अच्छा आपका स्कोर होता जाएगा। तो ये चीजें मैंने करी। अब आपका प्रश्न मैं ले लेता हूँ, जैसे आप पूछ रहे हैं रीजनिंग का, तो देखिए रीजनिंग में मैंने जो सर ने पढ़ाया था वो मैंने फॉलो किया, जितनी
क्लास में क्विज होती थी, मतलब जो टॉपिक वाइज टेस्ट होते थे वो मैंने पूरे फॉलो किए और वो मेरे पास सारे प्रिंट आउट थे, तो वो मैं कर चुका था। और सर का पढ़ाया हुआ मेरे लिए इतना इनफ था कि एक टॉपिक के मेरे पास 50 सवाल थे जो मैं कॉपी में देखकर समझ पाता था कि हाँ ऐसे ऐसे इनको सॉल्व करना है। उसके अलावा जो चीजें मैंने फॉलो करी थी वो ये थी कि मैंने अलग से कुछ सेक्शनल क्विज लगाई थी मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर, जैसे उस समय जो था एक ग्रिडअप करके प्लेटफॉर्म था, अभी उसका नाम परिवर्तन हो गया है, फिर एक टेस्ट बुक था, तो यहाँ पर मैंने क्विजेस लगाई लोगों के डाउट सॉल्व करे। मतलब मेरे अंदर एक ये गलत थी कि मैं लोगों से बोलता था कि आप अपने क्वेश्चन मुझे भेजो। होता क्या है, जैसे मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने में पूरे इंडिया से लोग जुड़ रहे हैं टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे, तो जैसे मान लो कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, तो 10 में से अगर उसको एक सवाल में डाउट है और वो सवाल अगर वो मुझको भेज रहा है कि आप इस सवाल को देखिए या इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो आप ये मानिए वो 10 में से बेस्ट सवाल है जो मेरे पास आ रहा है। मतलब सामने वाले की गलती भी ठीक हो रही है और मैं भी अपने आप को इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ। तो ये फायदा है कि टीचिंग इज लर्निंग प्रोसेस। इस तरीके से मैंने काम किया, लोगों के डाउट सॉल्व करे, टॉपिक वाइज क्विज लगाई और जो सर के नोट्स थे उनको फॉलो किया। इतना करेंगे आप डेली एक डेढ़ घंटा अगर आप दिन को प्रॉपर देंगे क्लास के अलावा तो इनफ है, आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। और दूसरा तरीका बस ये है कि परीक्षा में देखिए, एक मतलब अच्छी बात बताना चाहता हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी आप किसी परीक्षा में बैठे तो कोई भी प्रश्न आप देखें अगर आपको उसमें क्लिक नहीं हो रहा है कि ये प्रश्न क्या है, कुछ भी आप ब्लैंक हो गए, तो आप कभी भी ध्यान रखना घबराना मत। कुछ लोग क्या होते हैं कि स्टार्टिंग में बैठते हैं प्रेशर में आते हैं, 4-5 क्वेश्चन नहीं बने तो उनका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, उनको लगता है कि हमने कुछ पढ़ाई नहीं करी, वो अपने आप को दोष देने लगते हैं। ऐसा मत करो, ये सोचो कि प्रश्न तुम्हारे लिए आसान आसान बीच में छुपे हुए हैं, उनको ढूंढो, स्किपिंग करो, उनको ढूंढो। और जो प्रश्न आपसे स्टार्टिंग में नहीं बने थे, यकीन मानो जब पेपर ऐसा बोला जाता है, मतलब एक ये जनरल साइकोलॉजी है कि जब आप परीक्षा देते हैं ना, जैसे 2 घंटे का पेपर है तो 1 घंटे के बाद दिमाग ज्यादा अच्छा चलता है, पेपर में तुरंत दिमाग अच्छा नहीं चलता जैसे पेपर शुरू होता, 1 घंटा जब पेपर हल कर लोगे उसके बाद दिमाग अच्छा चलेगा। तो यही स्ट्रेटेजी है कि टफ क्वेश्चन को आप छोड़ते जाओ, उनको 1 घंटे बाद आप सॉल्व करो। जब मैं मेंस की परीक्षा दे रहा था, मेंस की, तो आप ये मानिए कि बिल्कुल आसान सवाल था एक, जिसमें कोसाइन रूल लगाना था, उस सवाल में करीब स्टार्टिंग में 1.5-2 मिनट फंस गया और मेरा आंसर नहीं आ रहा था, कुछ गलती हो रही थी, मैं कैंसिल नहीं कर पा रहा था। फिर मुझे ध्यान आया कि भाई यहाँ पे छोड़ो, अगर ये प्रश्न तुम इसमें फंस गए तो तुम्हारा पेपर न पड़ जाए। वो क्वेश्चन को छोड़ा मैंने, स्पीड अप किया और फिर आसान आसान सवाल हल करे। तो ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितना आप अच्छा स्किप करोगे ना उतना अच्छा पेपर रहेगा। तो ये है, और बिगनिंग का मैं यही उत्तर देना चाहता हूँ, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। और आप किसी भी कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मतलब वो कैसे पढ़ाई ये पूछ रहे हैं। देखिए करंट अफेयर्स के लिए मेरा पूरा एक सोर्स था कि एक मैगजीन आती है पतली थी, वो मैं पढ़ता था, हर महीने खरीदता था, मेरा फिक्स था हर महीने की 5 तारीख को मिल जाती थी एक मैगजीन थी currentaffairs.com। ठीक है, टेस्ट जैसे आप क्वेश्चन यहाँ पर टेस्ट हो रहा है, टेस्ट यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मैंने वो मैगजीन को देखा था तो मुझे वो अच्छी लगी थी, हरियाणा की 20-25 रुपए की आती थी, उसको मैं पूरा पढ़ता था। देखिए आप अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए, हमेशा ध्यान रखिए मैंने एक पुस्तक को बहुत बार पढ़ा है ना कि बहुत पुस्तकों को एक बार, ये बात सच है। अगर आप बहुत सारी किताबें खरीदेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब आपको अगर CMC की बुकलेट मिल रही है तो वो बुकलेट आप ये मानिए बहुत ज्यादा मेहनत के बाद आपके पास पहुंच रही है, उसमें कंटेंट रीडिंग प्रूफ रीडिंग बहुत ज्यादा चीज होने के बाद आती है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने वो मैगजीन फॉलो करी थी और बुकैप के लिए मुझे सुधीर सर ने बताया था कि ब्लैक बुक परचेज कर लो, तो मैंने ब्लैक बुक से पढ़ाई करी थी। ब्लैक बुक में मैंने सारे idioms, one word, जो 1200 idioms कुछ थे, वो 1200 उसमें one word थे। मेरा टारगेट था कि मुझे हर दिन 50 पढ़ने हैं idiom और one word। ऐसे मैंने idiom one word कर लिए। और बुकैप जो SSC की आती है उसमें आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। अगर आप नियमित रूप से अखबार पढ़ेंगे, सर जो क्लास में पढ़ाते हैं और आप खुद से पढ़ेंगे, देखिए अपनी अंडरस्टैंडिंग को आप थोड़ा बढ़ाइए, अंग्रेजी में अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ गई तो वोकैब भी इंप्रूव हो जाएगी, ग्रामर भी हो जाएगी और पैसेज भी हल हो जाएगा। तो ये मेरे आपके लिए बेस्ट सजेशन है कि रीडिंग को कभी भी स्किप मत करना, आप अपनी तैयारी में बहुत जरूरी है। और प्रश्न आप लोग पूछ सकते हैं। हम्म,
देखो ये मेरे साथ भी परेशानी थी, कंसिस्टेंटली 4% नहीं हो पाते, लेकिन ऐसा हर बच्चे के साथ होता है, हर स्टूडेंट के साथ होता है कि चार में से कोई ना कोई एक आपका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और एक कमजोर होता है। तो यहाँ पर बात आ जाती है स्मार्ट स्ट्रेटजी की, आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। जैसे जब 20 की तैयारी कर रहा था तब मुझे मालूम था कि रीजनिंग में इतना पढ़ चुका हूँ कि अभी रीजनिंग में सिर्फ टेस्ट लगाऊंगा तो काम चल जाएगा। उस समय मैं जीएस पढ़ता था, ठीक है। तो आप अगर डेली अपने 8 घंटे निर्धारित करते हो तो अपने आप से आप देखो कि आपका कौन सा विषय कमजोर है कौन सा मजबूत है, उसके हिसाब से प्लानिंग करो। और जरूरी नहीं है कि आपको नियमित रूप से चारों सब्जेक्ट पढ़ना है, आप चाहो तो ऐसा प्लान कर सकते हो कि आज आप रीजनिंग में आधा एक घंटे का समय दो, कल आप कर सकते हो कि रीजनिंग को ज्यादा समय दे दो, तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मेरा ये था कि मैं डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ता था, मैं वो मैगजीन खरीद भी लगा था, वो मैगजीन पढ़ता था हफ्ते के अंत में या जब समय मिलता था, और बाकी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ये डेली पढ़ता था नोट्स वगैरह। तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, तो उससे कभी परेशान मत हो। और हमेशा मतलब आपको भी और सभी को सजेशन है कि टारगेट हमेशा छोटे छोटे बनाओ, इतना छोटा टारगेट बनाओ कि वो अचीव करने के बाद आपको खुशी महसूस हो। कुछ लोग क्या करते हैं, लक्ष्य इतना बड़ा बनाते हैं और टारगेट बना लेते हैं कि मैं 5 दिन में पूरी ब्लैक बुक की बुक पढ़ लूंगा, अब वो परेशान होते रहते हैं। ये नहीं करना, आप अपने आप पर भरोसा रखो, ये सोचो कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो आज की नहीं, एक दो दिन की नहीं, महीनों की नहीं, 6-8 महीनों की मेहनत है। अगर कंसिस्टेंसी से थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते रहे तो आपका हो जाएगा। और दूसरी बात ये मानो आप कि जब आप पढ़ाई करते हो आपका कुछ मिस हो जाता है ना, तो उसको आप अगले दिन कवर करने के लिए कोशिश करो, ये नहीं कि वो मिस हो गया है तो उसको बाद में देखेंगे, इस तरीके से नहीं करना। तो आप ऐसे करो, हो जाएगा सब अच्छे। और पूछ सकते हैं आप सभी लोग कोई भी आपको डाउट हो एसएससी का। हाँ, देखिए इनका बहुत अच्छा प्रश्न है और ये मतलब सभी आप बैठ रही सभी के लिए मतलब मैं बताना चाहता हूँ। मेरे साथ भी समस्या थी, जब मैं पढ़ाई यहाँ करता था तो बहुत सर जैसे वर्क एंड टाइम पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद टाइम टू डिस्टेंस शुरू हो गया, तो वर्क एंड टाइम का रिविजन नहीं करूंगा तो वो टॉपिक मेरा छूट जाएगा पूरे तरीके से। तो देखिए इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप पढ़ाई करने के साथ साथ जैसे आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है तो कम से कम 7 से 10 दिन तक, 7-8 दिन तक तो आप मानिए कि उस पुराने टॉपिक के 30-30 सवाल 40-40 सवाल आप लगाओ। सबसे जरूरी है चीजों का ब्रशअप रहना, मतलब गणित एक ऐसी चीज है, मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा विषय है जो मतलब आपको जब तक आप पढ़ते रहोगे ना उसको रिविजन करते रहोगे तब तक आपके दिमाग में रहेगा। अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दी तो मतलब कितने ही बड़े शूरवीर क्यों ना हो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो वही था कि 3-3 टॉपिक होते जा रहे हैं, पुराने टॉपिक आगे पार्ट पीछे से पार्ट वाला कॉन्सेप्ट पूरा था, तो वही मैंने किया, मैंने निर्धारित किया कि टाइम टू डिस्टेंस पढ़ने के साथ साथ वर्किंग टाइम के डेली 30-30 सवाल लगाऊंगा। और अगर आप इतना कर लोगे 5 दिन कर लोगे तो आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। पढ़ लिया, रिविजन किया, क्वेश्चन लगा लिए, वो टॉपिक कंप्लीट है, फिर मॉक टेस्ट में आपको प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हैं 3 टॉपिक, 3 टॉपिक अगर आपके हो गए तो आप 40 सवाल को बांट दीजिए, वर्किंग टाइम के 10 करिए, टाइम टू डिस्टेंस के 15 करिए और एसआईसीआई के 15 करिए। तो जैसे जैसे आपका समय बढ़ता जाएगा आपका पुराने टॉपिक के क्वेश्चन कम होते जाएंगे। ये आपको अप्रोच फॉलो करनी है तो कभी कुछ नहीं भूलोगे आप। और कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान दीजिए सभी लोग, मतलब अपनी कैलकुलेशन को मजबूत करिए। आप ये मानिए कि आप जितना अच्छा कैलकुलेट करेंगे चीजों को उतना आपको हेल्प मिलेगी, चाहे तो आप पेपर पर कर सकते हैं चाहे एप्लीकेशन पर कर सकते हैं। और जो यहाँ पे शीट प्रोवाइड करी जाती है अच्छे से करिए, मतलब मैंने मुझे 1 से लेकर 30 तक के पूरे पहाड़े याद है, मतलब 29 तक का पहाड़ा मुझे पूरा मौके याद है। ये चीजें अगर आपको पता रहेगी तो आप परीक्षा में प्रश्न बहुत जल्दी कर पाओगे। चाहे 1 से लेकर 30 तक के आप टेबल्स पहाड़े कर लो, 1 से लेकर 30 तक क्यूब कर लो, और 1 से लेकर 50 तक के आपको स्क्वायर मौके पता होने चाहिए। तो ये चीजें हैं, जैसे आज मतलब मेरी कैलकुलेशन में मैंने इतनी मेहनत करी है कि मैं 1 से लेकर 1000 तक का स्क्वायर निकाल सकता हूँ कोई भी अंक। तो मतलब ये बताना चाहता हूँ कि मैंने सीखी है और फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ तो आप भी इन पे काम करें। मेरे साथ ये था, गौरव सर मुझे बताते थे कि समर्थ एडवांस पे काम करो आप, अर्थमेटिक आपका इतना अच्छा है कि प्रश्न आप पढ़ लोगे तो आप कम समय में उसको कर लोगे। वो कैसे मैंने किया, मैंने कैलकुलेशन पर काम किया, मतलब इतना फास्ट कर लो आप अपने गुणा को। सबसे पहले गुणा को बहुत मजबूत करना है, मल्टीप्लिकेशन को। अगर पेपर आप समझ गए कि क्वेश्चन में क्या है तो आपको मल्टीप्लाई तो करना है 29 × 87, बस इतना है। अगर आप इतना है निकाल दो 10-15-20 सेकंड में तो आप पूरे इंडिया में सबसे आगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज की। और जितने बच्चे रैंक लाते हैं उन सब ने एक खूबी, आप किसी से ही पूछ लेना, सबकी कैलकुलेशन बहुत मजबूत होती है,
मतलब बाकी चीजें तो आपको सबको पढ़नी है प्राइमरी चीजें, लेकिन जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कैलकुलेशन को और डेली रीडिंग को तभी स्किप मत करना। आप देखना आप मुझे फ्यूचर में धन्यवाद दोगे। और किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। अच्छा देखिए इंग्लिश की जो समस्या है, जब मैं इधर आया था तो मैं भी अखबार पढ़ता था स्टार्टिंग में, तो पैसेज पढ़ने के बाद समझ में ज्यादा आता नहीं था। तो आपको क्या करना है कि जैसे आप कोई भी अखबार पढ़ते हैं तो किसी भी पैराग्राफ को आप पढ़ते हैं, मान लीजिए कोई भी आपकी मतलब जैसे स्पोर्ट्स सेक्शन पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो अंग्रेजी में अगर दिक्कत आती है पढ़ने में तो वो कैटेगरी चुन लो आप, मतलब वो विषय चुन लो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आप क्रिकेट देखते होंगे तो क्रिकेट में आप जाएं तो क्रिकेट की पूरी समरी आती है मैच की, तो आप क्रिकेट वाले सेक्शन को पढ़ लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा आर्टिकल पढ़ें, कोई एडिटोरियल का आर्टिकल पढ़ें। देखिए आपको पता है कि कल के मैच में क्या हुआ, आपने मैच देखा है हाईलाइट देखी, आपको पता है कि इस बॉलर ने इतने विकेट लिए, तो उस पूरी चीज को अंग्रेजी में बताया जाता है। ऐसी चीज आप शुरुआत में पढ़िए, देखिए बूंद बूंद से भरा भरता है। अगर आप स्टार्टिंग में एडिटोरियल पढ़ेंगे का हिंदू के तो आपके ऊपर से निकल जाएगा, आपको लगेगा क्या है, मतलब आज के समय में ऐसा है कि मैं भी का हिंदू नहीं, मैंने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा और उसके पहले टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा। सर जब पढ़ाते थे तो सर बोलते थे कि पहले टाइम्स ऑफ इंडिया पे कमांड करो फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ाना। तो जो आपका फेवरेट विषय है वो आप पढ़ना शुरू करो। पहली बार ना वो कुछ मन में नहीं आया तो आप क्या करो उसको दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ने के साथ साथ मोबाइल में डिक्शनरी लेकर बैठो, ठीक है, उसमें आप देखो कहाँ कौन सा टेंस यूज हुआ है, कहाँ कौन सा वर्ड यूज हुआ है, उसका मीनिंग क्या है, छोटी छोटी चीजें शुरुआत करो। देखिए आप सभी लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि आप शुरू में ही पहाड़ उठा लेते हैं। आप बिजी को आप देखना, बिजी को अगर रीडिंग करने बोला जाए तो वो सोचेगा सबसे पहले एडिटोरियल पढ़ लेते हैं और अपना बेड़ा पार हो जाएगा, सोचते हैं ना आप लोग ये चीजें, लेकिन ये नहीं करना है। मैंने भी ये सोचा था कि पहले मैं अपनी बेसिक चीजें तो मजबूत करूं फिर तो मतलब मैं उसके बाद एडवांस लेवल पे आऊंगा, तो मैंने कभी स्टार्टिंग में बड़े पेपर उठाए नहीं, छोटे पेपर उठाए। मेरा स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था तो मैं स्पोर्ट्स पढ़ता था। जम्मू कश्मीर में कुछ हो गया, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उनकी अगर मान लो कोई स्पीच हो रही है कहीं पर फंक्शन है उसके बारे में पढ़ता था, मतलब रिलेट कर पाना। जैसे मैंने फोटो देखी कि भाई यहाँ पर ना एक ब्रिज का इनॉग्रेशन हो रहा है, तो फोटो देख के समझ में आ गया ना कि इनॉग्रेशन हुआ है, अंग्रेजी पढ़ के भी आ जाएगा। तो शुरुआत में अच्छी चीजें उठाओ, आसान चीजें आप इम्प्रूव कर लो। और पूछ सकते हैं आप सभी कोई प्रश्न तो। हाँ देखो जीएस में अगर 6 सब्जेक्ट हैं तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो एसएससी का पुराना पेपर उठाकर देखना है कि कैसे प्रश्न आते हैं, है ना। जैसे मैंने क्या देखा था, मैंने ये डिसाइड कर लिया था मेरे जीएस में 35 नंबर थे सीजीएल होने से, मतलब मेरे करीब 19 सवाल सही। और उस समय मैंने ये सोचा था, पेपर देखा मैंने, मुझे मालूम चल गया कि पॉलिटी के 2 सवाल आएंगे, ज्योग्राफी के 3 सवाल आएंगे, हिस्ट्री के सवाल आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने प्लान बनाया कि मुझे ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी है कि पहले ये विषय मजबूत कर लें। ज्योग्राफी के मेरे पास सारे नोट्स थे, मैंने वो पढ़ लिए। तो 6 विषय हैं तो जरूरी नहीं है कि 6 के 6 विषय में आप तुरंत महारत हासिल कर लो। आपको देखना है कि आपको पॉलिटी पसंद है तो पहले पॉलिटी कर लो। जैसे मैंने पॉलिटी के 20-25 पेज के नोट्स बना लिए थे जो मुझे एसएससी के लिए पढ़ने थे, तो वो मैंने पढ़ ली तो मेरा पॉलिटी हो गया। तो इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बना लो, जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है वो आपके पास नोट्स होंगे, उनको पढ़ लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलो। उस टॉपिक के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना, मतलब आपने सिलेबस पढ़ लिया तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और पहले मेजर सब्जेक्ट कवर कर लो, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी और करंट अफेयर साथ में रखो। उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाता है तो आप इकोनॉमिक्स पे आओ, साइंस पर आओ, इस तरीके से वहां पर यहाँ पर वही बता जाएगी कि आपकी रुचि किस चीज में ज्यादा है, ऐसे मैनेज करो। आपको ये देखने की बड़े क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, 10 साल की पीडीएफ यहां आपके फैकल्टी सॉल्व करवा रही है, आपके टॉपिक में टेस्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, जीएस में भी टॉपिक में टेस्ट हो रहा है, मतलब आपको इनकी वैल्यू नहीं पता। ये हम समर्थ से आपकी बात करवाते हैं क्योंकि आपको ये चीजें बहुत समर्थ ने नहीं बोला सर, बहुत फैसिलिटी पढ़ाती है यहाँ पर, क्योंकि जब हम बात टावर स्क्वायर पे पढ़ाते थे बेटा तो ऐसे दो रूम थे जिसमें बीच में दीवार थी, तो हम इस कमरे में पढ़ाते थे और बगल वाले कमरे में प्रोजेक्टर होता था और बच्चा चुपचाप वहां बैठ के पढ़ता रहता था। विश्वास नहीं मानोगे, यहाँ बैठा बच्चा कंप्लीट करता है सर बोर्ड नहीं दिख रहा, मतलब ये कितना एक्सपेक्टेड है, बच्चा यहाँ बैठ के बोल रहा है कि बोर्ड नहीं दिख रहा उसको।
मतलब वो वाला रूम अगर आप देख लेते बेटा, जहाँ बच्चों ने पढ़े हैं, समझ लो पढ़ के निकले, विक्रम लोगों ने यहाँ पढ़ाई करी है, यहाँ तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसिलिटीज है। आपके हिस्ट्री की क्लासेस होती है, 10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व होते हैं, टॉप में टेस्ट होता है, इतनी चीज है। और इसके अलावा एक और चीज, आपका बायो का जो सब्जेक्ट है, जैसे सर समर्थ में जो पढ़ाता था, तो 5 घंटे पढ़ाती थी उस टाइम पे, अभी रवि सर कैसा साइंस पढ़ा रहे हैं, कोई कमी नहीं है कहीं से कहीं तक। ये तो तुम सोचो वो मैडम थी, सब बढ़िया है। अब सवाल तुमको थोड़ा ये बताओ कि अगर किसी जगह को टॉपिक वाइज डाउट, मतलब टॉपिक में टेस्ट मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग के तो भी समझ में आते हैं, चलो इसके करवाए जा रहे हैं, तुम्हें जीएस के भी करवाए जा रहे हैं, 10 साल के पूरे क्वेश्चन बोर्ड पे लाके बाय रेफरेंस सॉल्व करवाए जा रहे हैं, अब इनको और कौन से जीएस का रास्ता होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं पढ़ रहा था जिस समय, उसमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं थे बड़े बड़े, ना ही इतनी कोई फैसिलिटी थी। मतलब आज आपके हाथ में जो पीडीएफ और ऑनलाइन ग्रुप में मटेरियल मिल रहा है कोचिंग के द्वारा, उसमें बहुत मेहनत है, मतलब उसका पूरा इस्तेमाल करिए। एक वो कहते हैं ना कि पहले बच्चे बोलते थे कि हमको संपादक नहीं मिले, आज आपके हाथ में अगर 10 साल के क्वेश्चन है तो बहुत बड़ी बात है। इसको ढूंढने में हमको 8-10 दिन लगते थे और हम हाईलाइट करते थे लैपटॉप पर या मोबाइल पर देख कर कि भाई ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आज आपको पीडीएफ मिल रही है तो आप उसका इस्तेमाल करो, मतलब इससे बेहतर क्वेश्चन नहीं है। अगर 10 साल के क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप उनको लगा लीजिए, आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और रही देखिए पढ़ाई की बात, तो जब मैं पढ़ता था तो आप ही मानिए कि अंदर घुसने में 15 मिनट लगते थे, वो बाहर निकलने में आधा घंटा क्लास में। और मैं जब क्लास थी 17 नंबर का हमारा हॉल था, 17 नंबर शाम को, तो वहां पर ही मानिए कि अलग अलग बैच आकर मर्ज होते थे। तो मर्ज होने पर जब मैं पहुंचता था मेरी क्लास कंप्लीट करके, कुछ पर्सनल डाउट भी रहते थे, कभी कभी लेट होता था, तो कभी मैं आगे बैठ ही नहीं पाया क्लास में, पीछे बैठता था और ऐसी स्क्रीन लगी रहती थी जो प्रोजेक्टर स्क्रीन थी, उस पर ही हम लोग पढ़ते थे। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी तरीके से कुछ समझ में नहीं आया। तो देखिए, इन चीजों को आप बिल्कुल मत सोचिए कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये आपको लग रहा है कि ये बोर्ड दूर है, आप बस कॉन्सेंट्रेट करिए कि सर जो पढ़ा रहे हैं और आपका आंसर है या नहीं आ रहा है, क्या गलती आपको है। तो जो आपको मिल रहा है ना यहाँ पर, उसका आप यूटिलाइज करिए, मतलब ये चीजें लौट कर नहीं आएंगी, आप देखेंगे भी नहीं आएंगे। जो पुराना समय है वो हम लोगों ने देखा है, अभी आपके पास सब चीजें हैं तो इस्तेमाल करिए अच्छे। देखो क्या होता है बेटा, जैसे आज आपके पास फैसिलिटी थी, और कमियों पे काम करेंगे, कुछ कहेंगे आने वाले जनरेशन को मिलेगी। जैसे समर्थ रहे ने तपस्या लाइब्रेरी का रिव्यू किया, लाइब्रेरी में 3 कंप्यूटर सिस्टम रखवाया है ताकि आप लोग अपना अपना प्रैक्टिस करो, अपना टेस्ट देते रहो। ये समर्थ की वजह से, ये समर्थ को भी नहीं पता होगा वो भी हम बताते कैसे है। और जो लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट करवाया है वो कृष्णा ने रखा है, जो स्टूडेंट है अपने ईडी पे पोस्टेड है, कृष्णा का सेमिनार करवाया था ना, मैं आप लोगों ने पता नहीं किया होगा। तो आपको वो जो कॉन्सेप्ट था लाइब्रेरी का, तो कृष्णा हमने इस बात का प्रेशर डाल रहा था कि सर बच्चों को आप एक जगह इकट्ठा करो और इन पे वॉच करो। तो वो अपन लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट लेके आए, वहाँ आपके राजनीतिक डाउट बताने के लिए बैठते नहीं बैठते हैं। जो बच्चे लाइब्रेरी के स्टूडेंट है, लाइब्रेरी के उनका खुद इस बार जेएस में सिलेक्शन हुआ है, हुआ नहीं हुआ है। तो आपको ऐसे फैकल्टी मिल रहे हैं डाउट के लिए जो आपके हर तरह का डाउट पड़ता होता है, पहली बात। दूसरी बात, जब जब जिस फैकल्टी का लेक्चर फ्री होता है, इंग्लिश वाले सर हैं, मोहन सर हैं, नासिर सर हैं आपके, मैथ्स वाले अपूर सर हैं आपके, वो लोग भी लाइब्रेरी में बैठ के करते हैं। ये सारी चीजें हम आप ही लोगों से सीखते हैं। अब ये कंप्यूटर वाली बात कहाँ से आई थी कि समर्थ ने हमको एक बात ये बताई थी, एक बार आपको ध्यान है इसको, हमारी मेमोरी में होती कि समर्थ ने बताया था टावर स्क्वायर के ठीक अपोजिट में एक लाइब्रेरी खुली थी पाठशाला, उसमें आप जाते थे। तो समर्थ ने ये बताया था हमको, सर बगल में जो आईडी के बैंक वाले उन्हीं की लाइब्रेरी है, तो उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा करी है बच्चों के लिए कि वहाँ पर उन्होंने क्या करा, कंप्यूटर लैब दे दी है, तो बच्चों को परेशान नहीं होना पड़ता कहीं और पेपर लाने के लिए, वही चीज हमने लाके यहाँ पर। तो ये जो सारी चीजें दी जा रही है, ये आप लोगों के परेशानियों को देखते हुए, समर्थ नहीं बताया कि सर ये दिक्कत आती है कि बच्चों को टेस्ट देने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, कि लैपटॉप नहीं है, किसी के पास कंप्यूटर नहीं है, या कोई नेट की दिक्कत आ रही है, किसी तरह बच्चा दूसरी जगह जाता है, तो लाइब्रेरी अपन ने बना दी, लाइब्रेरी में आपके सिस्टम भी प्लांट कर दिए, आप लोगों के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटीज है। ठीक है, घर में रात को तुम पेरेंट्स बगल में सो रहे थे तो भी फोन पे बात कर लेते हो, समझ गए तुम, पढ़ाई कभी जा सकती है यार, बात है नियत की, तुम्हारा रुझान किस तरफ, सामने वाले को खाना खिलाने में या अपना करियर बनाने में। अभी अपना करियर बना लो, दुनिया को खिलाते रहना, क्या दिक्कत है, पैसा तो हो दिन में। ठीक है भाई, और कोई डाउट तो नहीं, सेमिनार का तमाम बात करें, बाकी क्लासेस भी होल्ड पे ही होगी, बढ़िया सारी चीजें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात हम कहना चाहेंगे,
समर्थ जैसे स्टूडेंट जो एक लंबी स्ट्रगल करके निकलते हैं, फिर शॉर्ट ऑफ हो जाना होता है। कई बार सक्सेस थोड़ा लेट मिलती है तो आपको समझ में नहीं आता किस रास्ते जा रहे हैं, हैरान परेशान से रहते हैं। किसी ने बहुत वो बात कही है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घरों से निकले ही नहीं। एक छोटा सा बेटा बात रही है, जो सीएमसी का अपना ट्रेडिशन है कि जो भी सिलेक्ट होकर स्टूडेंट आते हैं आप लोगों के लिए फ्री सेमिनार लेते हैं, उनको अपन एक गिफ्ट देते हैं, तो एक वो छोटी सी फॉर्मेलिटी समझ आपके लिए गिफ्ट सीएमसी का। थैंक यू वेरी मच भाई और गुड लक।